इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये T20 फॉर्मेट सभी का फेवरेट बन गया। उस यंग इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक ही T20 मैच खेला था और बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना तारीफ के काबिल था और इसी से लोगों में उत्साह भर गया। इसी वक्त ललित मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला इंडियन प्रीमियर लीग को लॉन्च करके IPL, जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग बन चुका है। 15 साल हो चुके हैं IPL को शुरू हुए। IPL में जहाँ हर एक मैच दंगल की तरह होता है, हर पारिया मेमोरीज बन जाती है और हर बार फैंस को अपने पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर देती है और हर मैच एक्साइटमेंट से भरा होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि किस चीज़ ने IPL को इंडिया में एक त्यौहार की तरह बना दिया? खैर, इसका जवाब देना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हुई है जिन्होंने IPL को इंस्टेंटली फेमस बना दिया, और उनमें से एक है IPL के पहले ही मैच में ब्रेंडन मैककुलम द्वारा खेली गई 158 रन की वो तूफानी पारी, जिसने हमें IPL के पहले दिन से ये बता दिया था कि IPL किस लेवल पर पहुँचने वाला है और किस लेवल पर हमें इंटरटेनमेंट देने वाला है। वैसे तो कोई भी क्रिकेट फैन से इनिंग भूल नहीं सकता, पर फिर भी अगर आप भूल चुके हैं या आपने बाद में क्रिकेट देखना चालू किया है, तो चलिए उस इनिंग की याद एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। 18 अप्रैल 2008 का वो दिन था और ये IPL का पहला ही मैच था। मैककुलम को इस सीजन में KKR ने $7 लाख में खरीदा था और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था, क्योंकि रिकी पोंटिंग, शॉन पॉलक और ग्लेन मैकग्रा जैसे लेजेंड्स को भी इतने पैसे नहीं मिले थे। अब मैककुलम पर एक प्रेशर तो था ही और इस शुरुआती 6 गेंदों में दिख भी रहा था। प्रवीण कुमार ने पहले ओवर में जबरदस्त बॉलिंग से मैककुलम पहले 5 गेंदों में 1 रन नहीं बनाने दिया। अब मैककुलम चाहते तो थोड़ा सेल्फिश होकर इनिंग को डीप ले जा सकते थे, पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। अगला ओवर ज़हीर खान का था, उनकी पहली बॉल वो कनेक्ट नहीं कर पाए, पर अगले 2 बॉल्स पर खूबसूरत टाइमिंग के साथ पुल शॉट्स खेलकर मिड विकेट की तरफ लगातार 2 चौके मार दिए और अगले बॉल पर एक शॉट खेलने की कोशिश में पेस से बीट हो गए और ठीक एज लगा, पर उनके शॉट में इतना पावर था कि यह बॉल थर्ड मैन की तरफ 6 रन के लिए चली गई और अगले ही बॉल पर लेग साइड में एक और चौका लग गया। अब मैककुलम अपने जोन में आ चुके थे और चिन्ना स्वामी के छोटे ग्राउंड को मजाक बना दिया था। अब अगले ओवर में प्रवीण कुमार को भी मिड विकेट में चौका लगा दिया। इसके बाद के ओवर में ज़हीर को रिप्लेस करके ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज एशलेन ऑफके को बॉलिंग दिया, पर उनकी हालत और भी बुरी हो गई और भी बुरी तरह से पिटाई हुई। मैककुलम ने इस ओवर में 23 रन ठोक डाले, पर इसके बाद अगले 17 गेंदों तक वो खामोश रहे और इसके बाद बड़े थे कैमरन वाइट और जैक्स कैलिस की। कैमरन वाइट को भी 15वें ओवर में लगातार 2 बड़े बड़े छक्के और 1 चौका पड़ गया। मैककुलम अब 99 पर पहुंच चुके थे और अगले गेंद पर एक कवर ड्राइव शॉट खेलकर 2 रन लिया और अपना 100 कंप्लीट किया। पूरा स्टेडियम के साथ KKR के मालिक भी खुशी से झूम रहे थे। उस रात लाइन लेन किसी से भी मैककुलम को फर्क नहीं पड़ रहा था। बॉल हर थोड़ी देर में स्टेडियम में दर्शकों के बीच घूम जा रही थी। जब 17वें ओवर में ज़हीर खान वापस अपनी एक और स्पिन लेकर आए, तब मैककुलम ने एक घुटने पर बैठकर फाइनल लेग में स्कूप शॉट से 6 लगा दिया और ये उस रात के सबसे खूबसूरत शॉट था। और प्रवीण कुमार, जो उस रात मैककुलम से बचे हुए थे, इनके आखिरी ओवर में मैककुलम ने इनको भी निशाने पर ले लिया और आखिरी ओवर में 2 छक्के मिड विकेट में और 1 लॉन्ग ओवर में ठोक दिया। आखिरी की 11 बॉल्स में मैककुलम ने 39 रन ठोके और टोटल 13 बड़े बड़े छक्कों के साथ 73 गेंदों पर 158 रन बना दिए। अंत में KKR ने RCB को 82 रनों पर ही आउट कर दिया और 147 रनों के बड़े मार्जिन से मुकाबला जीत लिया। भले ही ये मैच KKR काफ़ी पहले ही जीत गई थी, पर मैककुलम के इस पारे ने IPL को एक परफेक्ट स्टार्ट दे दिया था और दुनिया को बता दिया था कि IPL किस लेवल का इंटरटेनमेंट और हाई वोल्टेज मुकाबले देगा। T20 मैचेस में ऐसी पारियां बार बार नहीं आती है और IPL के अब तक के 15 सालों के इतिहास में सिर्फ गेल ने एक मैच में इससे ज़्यादा रन बनाए हैं। इसकी भी यादें कभी ताज़ा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस IPL के जस्ट पहले वर्ल्ड कप में युवराज सिंह के 6 छक्के वाले पारी की यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो आप ये लेफ्ट साइड वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में।